बाड़मेर में शारदीय नवरात्रि के आगाज के साथ ही लंबे समय से छाई मंदी का दौर कुछ हद तक हटता नजर आ रहा है। नवरात्रि के साथ ही बाजारों में खरीदारी को लेकर लोगों की अच्छी भीड़ नजर आ रही है। लोग बाजारों में पहुंचकर पूजा सामग्री के साथ कपड़े, कॉस्मेटिक, बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं पूरा दिन बाजार में अच्छी रौनक और ग्राहकी के चलते दुकानदारों के चेहरे भी खिले खिले से नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद इन दिनों बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। त्योहारी सीजन की खरीदारी के लिए बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। दुकानदारों को उम्मीद है कि त्योहारों पर बड़ी संख्या में खरीदार पहुंचेंगे। हालांकि कोरोना को लेकर लोगों में दहशत अभी भी है। अधिकतर दुकानदार माल का स्टॉक करने को लेकर असमंजस में है। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, इसके बाद दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली आदि त्यौहार पड़ रहे हैं। साल भर से कोविड संकट की मार झेल रहे दुकानदारों ने इन त्योहारों में अपना घाटा पूरा करने की पूरी तैयारी कर ली है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सजावट के साथ अन्य उपाय अपनाए जा रहे हैं। बाड़मेर शहर के स्टेशन रोड मुख्य बाजार में दुकानदार बताते हैं कि 6 माह बाद बाजार में खरीदारों की रौनक देखने को मिल रही है। त्योहारों के कारण लोगों का बाजारों की ओर रुझान बढ़ा है और वो खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक कोविड के बीच बाजारों में खरीदारों की बढ़ी रौनक अच्छा संकेत है, इससे बाजारों को गति मिल रही है। दुकानदारों को भी कुछ राहत मिली है। अभी दुकानदार नया माल ला रहे हैं। दुकानदारों ने ग्राहकों से अपील की है कि बाजार में आने वाले प्रत्येक ग्राहक को सरकार से जारी कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। वहीं शहर के आसपास के इलाकों में लोगों की भीड़ जुटने, नो एंट्री से वाहनों की आवाजाही और बेतरतीब वाहनों के खड़े रहने से जाम की समस्या भी बढ़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में खासतौर पर बाड़मेर शहर के बाजारों में जाम लग रहा है। तिरुद के मुताबिक चौक चौराहों और बाजारों में पुलिस कर्मियों की तैनाती, जाम न होने की जगह जगह बेतरतीब वाहनों के लगने से जाम की समस्या बढ़ रही है। बहरहाल कोरोना की महामारी के बाद बाड़मेर शहर के बाजार धीरे धीरे ही सही लेकिन गुलजार हो रहे हैं।